बात बॉलीवुड की, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उन्होंने कल सुबह 9 बजे के करीब मुंबई के बांद्रा स्थित अपने आवास में छठे फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। मलाइका के पिता की संदिग्ध मौत। छठी मंजिल से कूद कर दी जान। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता अनिल अरोड़ा ने आज घर की छठी मंजिल से कूद कर खुदकुशी कर ली। जिस वक्त ये घटना हुई, मलाइका अरोड़ा घर पर नहीं थी, वो उस समय पुणे में थी। लेकिन इस घटना की सूचना मिलते ही वो पुणे से सीधे मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पिता के घर पर पहुंची। उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी मलाइका के घर पहुंचे। जैसे जैसे खबर फैलती गई, मलाइका के घर पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का जमा होना शुरू हो गया। एक्स हस्बैंड अरबाज खान, उनके पिता सलीम खान और भाई सुहेल भी मलाइका के बांद्रा स्थित घर पर उन्हें सांत्वना देने पहुंचे। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा ने आज मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में, जहाँ पे वो रहते थे, छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिरकार खुदकुशी की वजह क्या है। ये जो बिल्डिंग है उसकी छठे माले पर मलाइका अरोड़ा खान के पिता अनिल अरोड़ा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। आज सुबह 9 बजे के आसपास अनिल अरोड़ा टेरेस पे गए और टेरेस पे जाने के बाद वो टेरेस से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी है। जो आप स्पॉट देख रहे हैं, जहाँ पर FSL की टीम मौजूद है। इस घटना से मलाइका अरोड़ा का परिवार और उन्हें जानने वाले सदमे में हैं। हर कोई इस बात से हैरान है कि अनिल अरोड़ा जैसा सफल व्यक्ति, जिसका एक खुशहाल परिवार हो, वो कैसे अचानक खुदकुशी कर सकता है। मलाइका के पिता ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। जी, अभी टीम्स हमारी पहुंची है, फॉरेंसिक टीम्स भी आई है। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रहा है। बॉडी अभी आगे जो है इंक्वेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए जा रही है। We are investigating everything in prima facie खुदकुशी लग रही है। We are doing further investigation. We are conducting further investigation. पुलिस के मुताबिक मलाइका अरोड़ा के पिता ने छठी मंजिल की गैलरी से कूदकर आत्महत्या की है। बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि मलाइका के पिता पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मैं अभी उतरा हूँ अपने आप को संभाल कर, काफी मुझे सदमा हुआ और मैं अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहा था। मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल अरोड़ा पंजाबी हिंदू परिवार के थे। उनका परिवार बॉर्डर पर बसे फाजिलका जिले का रहने वाला था। उन्होंने भारतीय मर्चेंट नेवी में नौकरी की। परिवार में पत्नी जॉइस पॉलीकॉर, बेटियां मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा हैं। मलाइका की मां मलयाली क्रिश्चियन है और पूरे परिवार को कई मौके पर साथ देखा जाता था। अचानक खुदकुशी की इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उनके पिता किस मानसिक हालत से गुजर रहे थे जो उन्होंने इस तरह का दर्दनाक कदम उठाया। और इधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज बंद है। व्यापार मंडल ने आज बंद बुलाया है और दुकानों को दोपहर 1 बजे तक बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल बुधवार को संजोली मस्जिद विवाद पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया और इसी के विरोध में व्यापारी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने आज दोपहर 1 बजे तक इसके विरोध में दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है, जिसका शिमला में असर भी देखने को मिल रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मारो राजस्थान।